अब मैं आपको एक ब्रेड रोल तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर बढ़िया सा स्टफिंग्स। तो आप ये सुपर क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड रोल को घर में जरूर ट्राई करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं श्रुतमा और आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड रोल। सुबह नाश्ते में या फिर शाम में चाय के साथ ब्रेड की ये क्रिस्पी नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल देर न करके इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 5 उबले हुए आलू। आलू को मैंने कुकर में 4 सीटी देकर उबाल लिया है। तो अब हम इन्हें हाथों से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मैशर हो तो उससे भी आप आलू को मैश कर सकते हैं। आलू को मैश करके इसमें मैं डाल दूंगी 1 चौप प्याज। अगर प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। प्याज के बाद 2 कुटी हुई हरी मिर्च। स्टफिंग्स अगर थोड़े से स्पाइसी ना हो तो बात नहीं बनती, पर आप अपने हिसाब से मिर्च यूज कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक डालेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, ये फ्लेवर तो देगा ही, साथ साथ डाइजेस्ट करने में भी मदद करेगा। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीर लाल मिर्च पाउडर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार या 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। ये मैंने 1/3 छोटा चम्मच भुनी हुई जीरा मसाला लिया है, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। स्टफिंग्स को थोड़े से चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और बिल्कुल थोड़े से हरा धनिया। तो ये कुछ बेसिक मसाले मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी इन सब को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये स्टफिंग्स में आप अपने पसंद अनुसार इंग्रेडिएंट ऐड भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करके मैंने ये स्टफिंग्स के मिश्रण तैयार कर लिया है। तो अब चलिए ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 8-10 ब्रेड स्लाइस लिया है और ये व्हाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड भी चलेगा। तो अब हम ब्रेड के किनारे काटेंगे। ऐसे चारों तरफ से हम ब्रेड के किनारे काट लेंगे, इससे रोल दिखने में बेहतर लगेगी। आप बिना साइड्स काटे भी ब्रेड रोल बना सकते हैं। कटे हुए साइड से आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं या फिर ब्रेड के कोई सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो ऐसी तरह से मैं सारे ब्रेड के किनारे काट लूंगी। तो सारे ब्रेड के साइड्स को मैंने काट लिया है और एक बाउल में लेना है थोड़े से पानी। अब हम ब्रेड को पानी में हल्के से डीप करेंगे और फिर हाथों से ऐसे प्रेस करके ब्रेड से सारे पानी को निकाल देंगे। ध्यान रखना है प्रेस करते वक्त ब्रेड ना टूटे और जितना हो सके इसे पानी निकाल देना है। और सारे पानी स्क्वीज करके अब हम इसमें स्टफिंग्स भरेंगे। 1 से 1.5 बड़े चम्मच आलू का स्टफिंग्स डाल के इसे ऐसे शेप देने की कोशिश करें। क्योंकि ब्रेड गीली है तो बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से ये जुड़ जाएंगे। उंगलियों की मदद से इसके दोनों एंड भाग को जुड़ देंगे। तो अब हम इसे रोल की शेप देंगे और ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये रोल तैयार हो गया। आप इसे बहुत ही आराम से बना पाएंगे। इसे अभी एक प्लेट में रख देते हैं और ये सेम प्रोसेस अप्लाई करके हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। और ये मैंने 6 ब्रेड रोल तैयार कर लिया है और बाकी को भी कर लेंगे। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए छोड़ दिया है और तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है। तो अब हम एक एक करके रोल को तेल में छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में जितना आप फ्राई कर सकते हैं उतना आप छोड़ें और इसे हम गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। पहले थोड़ी देर आप वेट करें, फिर इसे हल्के हाथों से चलाएं। यहाँ पे ज़्यादा जोर जोर से ना चलाएं और गैस के फ्लेम एकदम मीडियम रखें, हाई फ्लेम या लो फ्लेम ना दें। थोड़ी देर बाद ये देखिए, सारे ब्रेड रोल को मैंने एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लिया है और कितना बढ़िया लुक्स आए हैं इनके।
आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने ये ब्रेड रोल को एकदम गोल्डन और क्रिस्पी करके फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, ये ठंड होने के बाद और भी क्रिस्पी होंगे, तो बिल्कुल ऐसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए, मैंने ब्रेड रोल के दूसरे बैच को भी बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी करके फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको एक ब्रेड रोल तोड़ के दिखाती हूँ। और ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर बढ़िया सा स्टफिंग्स। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये सुपर क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड रोल बन के तैयार हो गया। इसे आप गरम गरम इंजॉय करें हरी चटनी या फिर कोई भी सॉस के साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर हरी चटनी या फिर लाल चटनी की रेसिपी दिखना चाहते हैं तो वो भी बताएं। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमस किचन को। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।